मेहुल घर पर बैठकर टीवी देख रहा था, तभी एक न्यूज चल रही थी। अभी अभी खबर आ रही है कि सुपारी किलर अक्की अरोरा की पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई है। अक्की अरोरा को पुलिस अरेस्ट करके लेके जा रही थी, तभी अचानक पुलिस की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट का फायदा उठाकर अक्की अरोरा पुलिस की रिवॉल्वर छीनकर भागने की कोशिश की, तो मजबूरन पुलिस को उसका एनकाउंटर करना पड़ा। न्यूज खत्म होते ही मेहुल को एक फोन आता है और मेहुल अपोजिशन पार्टी के नेताजी से मिलने पहुंच जाता है। नेताजी मेहुल से कहते हैं, डिटेक्टिव मेहुल, अक्की अरोरा का एनकाउंटर बस एक बहाना है। अगर वो जिंदा रहता तो बहुत सारे मिनिस्टर्स की कुर्सी हिल सकती थी, इसलिए उसे जानबूझकर एनकाउंटर के बहाने से मारा गया है। इसकी पोल खोल अब तुम्हें ही करनी होगी, हम तुम्हें फुल सपोर्ट करेंगे। एनकाउंटर की फिल्मी कहानी सुनने के बाद ही मुझे पता चल गया था ये एनकाउंटर फेक है, अब बस इसे प्रूफ करना है। मेहुल अपने काम पे लग जाता है। वो पुलिस स्टेशन जाकर एसीपी से पूछताछ करता है। हमारी तीन गाड़ियां थी, बीच की गाड़ी में अक्की अरोरा एक कांस्टेबल के साथ था, सबसे पीछे की गाड़ी में मैं इंस्पेक्टर के साथ था, सबसे आगे की गाड़ी में दो कांस्टेबल थे और एक इंस्पेक्टर था। तभी अचानक सामने से एक ट्रक आया और सामने वाली गाड़ी से टकरा गया। हम बाहर निकले तो उसी का फायदा उठा के अक्की अरोरा रिवॉल्वर लेके भाग निकला और मजबूरन हमें उसका एनकाउंटर करना पड़ा। एसीपी की बात सुनकर मेहुल घटनास्थल पे पहुंच जाता है। क्या आप घटनास्थल को देख के बता सकते हैं एसीपी की बातें सही थी या गलत? मेहुल की नजर एक बोर्ड पे जाती है जिस पर साफ साफ लिखा था ओनली फॉर स्मॉल व्हीकल्स, मतलब इस रास्ते पे ट्रक नहीं आते हैं। एसीपी झूठ बोल रहा था। तभी मेहुल को उसके खबरी का फोन आता है। वो मेहुल से कहता है, सर अक्की अरोरा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, अक्की अरोरा कोरोना पॉजिटिव था। ये खबर सुनते ही मेहुल तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। वहां उसे कांस्टेबल मिलता है। वो मेहुल से कहता है, क्या मेहुल जी कुछ पता चला या बस ऐसे ही चक्कर लगा रहे हो इधर उधर? उस दिन अक्की अरोरा के साथ तुम ही थे ना? हाँ हाँ मैं ही था। क्या क्रिमिनल था वो, पलक झपकते ही गाड़ी से भाग गया। वो तो एसीपी सर ने टोक दिया, नहीं तो हाथ नहीं आता था। एसीपी साहब कहाँ है? उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो सिटी हॉस्पिटल गए हैं चेकअप के लिए। मेहुल तुरंत सिटी हॉस्पिटल पहुंच जाता है और वहाँ डॉक्टर से मिलता है। तो डॉक्टर मेहुल को बताता है कि एसीपी साहब कोरोना पॉजिटिव है तो वो उनसे नहीं मिल सकता। ये सुनते ही मेहुल समझ जाता है कि क्या गड़बड़ है। क्या आपको कोई क्लू मिल रहा है? सोचिए, समझिए, समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कीजिए। इसका मतलब एसीपी ने मुझसे झूठ कहा था। अक्की अरोरा के साथ गाड़ी में कांस्टेबल नहीं बल्कि एसीपी साहब थे। अक्की अरोरा कोरोना पॉजिटिव निकला और एसीपी भी कोरोना पॉजिटिव। अगर अक्की अरोरा के साथ वो कांस्टेबल रहता तो हॉस्पिटल में एसीपी नहीं वो कांस्टेबल एडमिट रहता। तभी मेहुल को एक और फोन आता है और मेहुल अक्की अरोरा के पत्नी से मिलता है। नेहा मेहुल को बताती है कि अक्की को अरेस्ट करने उस दिन सिर्फ एसीपी आए थे, पूरी पुलिस फोर्स नहीं आई थी। तो मेहुल कहता है, हाँ मैं ये जानता हूँ, एसीपी ने झूठ कहा था कि तीन गाड़ियाँ थी, गाड़ी एक ही थी जिसमें अक्की और एसीपी ही थे। अगर टीम होती तो बाकी लोगों को भी कोरोना पॉजिटिव हो सकता था और उस रास्ते पे ट्रक का सवाल ही नहीं होता क्योंकि वहाँ हैवी व्हीकल्स को एंट्री ही नहीं है। फिर गाड़ी और ट्रक का एक्सीडेंट कैसे हो सकता है? ये सब एसीपी का प्लान है और बाकी पुलिस इसमें शामिल है। आप मुझे ये बताएं कि उस दिन ऐसा क्या हुआ था? नेहा उसे बताती है कि उस दिन अक्की घबराता हुआ घर पे आया और जोर जोर से घंटी बजाने लगा। मैंने दरवाजा खोला तो अक्की कहता है, दूर रहो मुझसे, मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ। तो मैं भी घबरा गई क्योंकि अब अक्की इलाज कैसे कराएगा क्योंकि पुलिस उसके पीछे थी। तभी अक्की ने मुझे बताया कि उसके पास एक तरकीब है, उसने एसीपी को फोन कर दिया है और वो सरेंडर करने वाला है। सरेंडर करने के बाद ही उसका इलाज हो पाएगा, लेकिन मैंने उसे सरेंडर करने से मना कर दिया लेकिन उसने नहीं सुना। उसको कोरोना का डर हो गया था और वो उससे बचना चाहता था। और तभी घंटी बजती है और एसीपी आ जाता है, अक्की तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, और अक्की निकल जाता है। फिर नेहा कहती है, क्योंकि एसीपी अकेले आया था अक्की को लेने, मतलब उसका एनकाउंटर उसी ने किया है। हाँ मुझे भी यही लगता है, अक्की का एनकाउंटर एसीपी ने मिनिस्टर्स के प्रेशर में आकर किया है और वो एक्सीडेंट और अक्की का भागना सिर्फ एक बहाना है। लेकिन अब इसे प्रूफ कैसे करे? मेहुल उसे इस इन्फॉर्मेशन के लिए थैंक्स बोलता है और वहाँ से चला जाता है। मेहुल फिर से एक बार घटनास्थल पे जाता है। ये तो तय है कि गाड़ी सिर्फ एक थी और एसीपी ने अक्की को गोली मार दी है, लेकिन क्या ये किसी ने अपनी आंखों से देखा होगा? तभी मेहुल को वहाँ पास में एक होटल दिखता है। मेहुल उस होटल में जाता है और होटल वाले से पूछता है, दो दिन पहले यहाँ पर एक एनकाउंटर हुआ था, क्या आपने ये देखा था? साहब हमारा ध्यान तो बस कस्टमर्स में रहता है, अब उस दिन क्या हुआ हमें नहीं पता। तभी होटल में दो लड़के आ गए। चाचा एक चाय देना। क्या मुसीबत है यार, कितना अच्छा शॉट लगाया था कल, लेकिन बीच में पुलिस की गाड़ी आ गई। लड़कों की बात सुनकर मेहुल चौंक जाता है।
क्या हुआ, इतना परेशान क्यों हो? अरे दादा, कल हम एक शॉर्ट फिल्म शूट कर रहे थे और बहुत अच्छा शॉट भी लिया, लेकिन आज डायरेक्टर ने देखा कि एक पुलिस की गाड़ी शॉट के बीच में आ गई। अब वापस पूरा सीन करना पड़ेगा। पुलिस की गाड़ी? मैं डिटेक्टिव मेहुल हूँ, क्या मैं वो फुटेज देख सकता हूँ? हाँ हाँ, आप फुटेज देख सकते हैं, मेरे कंप्यूटर में घर पे है। तो चलिए फिर, मेहुल लड़कों के साथ उनके घर जाता है, फुटेज चेक करता है और सारा मामला समझ जाता है। मेहुल उनसे फुटेज कलेक्ट करता है और लेकर अपने घर आ जाता है और घर आके नेताजी को फोन लगाता है। सर, केस सॉल्व हो गया, अक्की अरोरा का एनकाउंटर फेक है। तो नेताजी मेहुल को कहते हैं, क्या सबूत है तुम्हारे पास? कल ही सीनियर जजेस और ऑफिसर्स को बुलाता हूँ, उनके सामने सबूत दो। अगले दिन मेहुल कमेटी के सामने पहुंच जाता है। वहां नेताजी, सीनियर जजेस और ऑफिसर्स मौजूद होते हैं। मिस्टर डिटेक्टिव, आप अपनी बात हमारे सामने रख सकते हैं। सर, पुलिस ने दावा किया था कि अक्की अरोरा का अरेस्ट करने के बाद उसे ले जाते समय एक ट्रक और पुलिस जीप का एक्सीडेंट हो गया था। उसका फायदा उठाकर अक्की अरोरा ने भागने की कोशिश की और मजबूरन उसका एनकाउंटर करना पड़ा। ये सब कुछ झूठ है। अक्की अरोरा बहुत सारे मिनिस्टर्स के राज जानता था, इसलिए उसका एनकाउंटर किया गया है। तुम ये कैसे कह सकते हो? इसको प्रूफ करो। तभी मेहुल एक फोटो निकालकर जजेस को दिखाता है। क्या आप इस फोटो को देख के बता सकते हैं इसे कैसे प्रूव होता है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। फोटो में पुलिस की गाड़ी को ध्यान से देखिए, बस एक ही गाड़ी है और गाड़ी में सिर्फ एसी और अक्की साथ में है और कोई नहीं है। मतलब पुलिस कार में सिर्फ अक्की और एसीपी था, और ये अक्की की बीवी ने भी कंफर्म किया है। मतलब अक्की को अरेस्ट करने पूरी पुलिस फोर्स नहीं, सिर्फ अकेले एसीपी आए थे। और उस रोड पे हैवी व्हीकल्स भी अलाउड नहीं है, तो फिर ट्रक से एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता। और एक और चीज, सिर्फ एसीपी को कोरोना हुआ, बाकी फोर्स को क्यों नहीं हुआ? जो कांस्टेबल्स अक्की के साथ थे उनको भी कुछ नहीं हुआ। फिर मेहुल जजेस को कहता है, ये फुटेज देखिए। फुटेज में एसीपी गाड़ी का दरवाजा खोलता है और अक्की को कहता है, भाग अक्की भाग। अक्की गाड़ी से उतरता है और भागने की कोशिश करता है, तभी एसीपी पीछे से उसे गोली मार देता है। सर, इससे प्रूव हो गया ये सब एसीपी ने ही किया है। जजेस कन्विंस हो जाते हैं और एसीपी को तुरंत सस्पेंड कर देते हैं। केस सॉल्व्ड, डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। इसी बात पे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। सोहन का उसके घर पे मर्डर हो जाता है। केस की छानबीन करने डिटेक्टिव मेहुल पहुंच जाता है। मेहुल को बॉडी के पास ही मर्डर वेपन मिल जाता है, उस पे मर्डर के फिंगरप्रिंट्स के निशान भी मिल जाते हैं। मेहुल सोहन का वॉलेट देखता है तो उस पे सोहन ने मर्डरर को सर्कल भी करके रखा हुआ था। अरे ये तो बड़ा आसान केस था, मर्डरर बड़ी आसानी से मिल गया। मेहुल मर्डरर के घर पहुंच जाता है, लेकिन वहां जाके कंफ्यूज हो जाता है। एक जैसे दिखने वाले तीन भाई है, अब तीनों में से एक मर्डरर है। तीनों कहते हैं, हमने मर्डर नहीं किया है। अब कैसे पता करेगा मेहुल तीनों में मर्डरर कौन है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तीनों एकदम एक जैसे दिखते हैं, लेकिन तीनों के फिंगरप्रिंट्स एकदम अलग रहेंगे। मेहुल को मर्डर वेपन पे फिंगरप्रिंट के निशान मिल गए थे। मेहुल वो फिंगरप्रिंट्स को इन तीनों के फिंगरप्रिंट से मैच करेगा और जिसके मैच हो गए वो मर्डरर है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। डिटेक्टिव मेहुल एक रूम में फंस जाता है। रूम से बाहर निकलने के लिए उसे तीन दरवाजे दिखते हैं। एक दरवाजे के पीछे जंगली शेर है जो दरवाजा खोलते ही बाहर आ जाएगा और मेहुल को कच्चा चबा जाएगा। एक दरवाजे के पीछे जंगली भेड़िया है, वो भी दरवाजा खोलते से बाहर आ जाएगा और मेहुल को खा जाएगा। अब एक डोर के पीछे आइस का बड़ा क्यूब रखा हुआ है जिसने डोर को ब्लॉक करके रखा है। अब समस्या ये है कि हमें ये नहीं पता कौन से दरवाजे के पीछे क्या है। अब क्या करेगा मेहुल? कैसे बाहर आएगा मेहुल? कौन सा दरवाजा चुनेगा मेहुल? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ध्यान से देखिए, दरवाजे के नीचे गैप है। आइस धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाएगा और पानी बन के दरवाजे से बाहर आना शुरू हो जाएगा। ये देख मेहुल समझ जाएगा कि कौन से दरवाजे के पीछे आइस है। मेहुल आइस पिघलने का वेट करेगा और फिर उस दरवाजे से निकल जाएगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए मेहुल की कितनी बहनें हैं। सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताए। चलिए इसका आंसर देखते हैं।
मेहुल ने लेफ्ट हैंड में दो बैंड्स पहने हुए हैं, राखी राइट हैंड में पहनी जाती है और राइट हैंड में उसने दो राखी पहनी हुई हैं। मतलब मेहुल की दो बहने हैं। ऐसी और पहेलियों के लिए डिटेक्टिव मेहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।